नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय शर्मा। आप देख रहे हैं थिंकिंग पेंगुइन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3D कर्सर के बारे में। फिलहाल हम लोग ब्लेंडर के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 3D कर्सर के बारे में। और इसके 3D कर्सर के बारे में मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया था। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने इसको ऑफ़ करके नहीं रखा है क्या। यहाँ ओवरलेज में जाइए और चेक कीजिए कि आपका 3D कर्सर का जो ऑप्शन है वो चेक्ड ऑन है, क्योंकि तभी आपको दिखेगा, ठीक है। इसके पहले कुछ चीज़ और मैं आपको बता दूं ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। अगर आपके जैसे हम लोग अभी जो है वो पर्सपेक्टिव में ऑर्थोग्राफिक के व्यूज़ में स्विच करते हैं, जैसे मेरे कीबोर्ड पे नम पैड है तो 1, 3, 7 जो 1 है वो फ्रंट के लिए है, 3 साइड के लिए है, 7 जो है टॉप के लिए है, तो ये बहुत ही ईजिली होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आपको आपके कीबोर्ड में अगर मान लीजिए नम पैड नहीं है, तो उसके लिए आप प्रेफरेंसेस में जा कर के इनपुट में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा इम्यूलेट नम पैड। तो क्या हुआ कि आपका जो मेन कीबोर्ड है उसमें जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, हाँ, तो 3D कर्सर के बारे में बात करते हैं। तो 3D कर्सर क्या है? ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये रेड कलर का, रेड आउटलाइन, रेड वाइट आउटलाइन के साथ क्रॉस हायर, इसको हम लोग बोलते हैं 3D कर्सर, ठीक है। और जहाँ पे भी आप क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं, कहने का मतलब अगर आपका सिलेक्शन जो है वो लेफ़्ट क्लिक से है तो आप राइट क्लिक से 3D कर्सर को मूव कर सकते हैं, उसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन जो है वो राइट क्लिक से है तो आप लेफ़्ट से कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेटिंग कहाँ से होता है? प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट विथ लेफ़्ट और राइट है, तो फ़िलहाल मेरा लेफ़्ट है क्योंकि मैं लेफ़्ट क्लिक से ही सेलेक्ट करता हूँ ज़्यादातर चीज़ें, बाकी सॉफ्टवेयर से मुझे उसमें आसानी होती है। तो राइट क्लिक से मैं इसका पोजीशन सेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि ये 3D कर्सर यूज़ क्यों करते हैं। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर से आए हो तो आपको बड़ा अनोइंग टाइप का लगता है कि ये क्या दे दिया इसके अंदर, लेकिन जब इसका यूज़ आप करते हो तो आपको इसका महत्व समझ में आता है। तो जैसे मैंने ये सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऐड में जाके मान लीजिए मैंने अगर कुछ क्रिएट किया सिलेंडर, तो ये वहीं पर क्रिएट होता है जहाँ पर 3D कर्सर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी यही है कि आप जहाँ पे भी आप कर्सर रहेगा वो ऑब्जेक्ट जब भी आप क्रिएट करेंगे उसी जगह पे होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए आपको की फ्रेम, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये मैंने इसके लिए एक ऑप्शन ऑन करके रखा है, एडिटिंग इंटरफेस रोटेट अराउंड सेलेक्शन, अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहता है, तो अभी जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है मतलब वो सेंटर में नहीं। अगर मान लीजिए सेंटर में करना है आपको तो उसको सेलेक्ट करके अगर आप नम पैड पर डॉट दबाएंगे तो वो आपका फोकस हो जाएगा, आपका कैमरा उसके ऊपर, आपका व्यू पॉइंट उसके ऊपर फोकस हो जाएगा और आपके व्यू पॉइंट का सेंटर भी वही सेट हो जाता है। यानी कि अगर मैं रोटेट करूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो व्यू पॉइंट है उस ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूँ, डॉट दबाता हूँ नम पैड पर, तो अभी मैं इसके अराउंड घूम रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट को जो मैं सेलेक्ट करूँ वो ऑटोमेटिकली व्यू पॉइंट का सेंटर बन जाए, तो उसके लिए आप जाके वहाँ पर वो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, रोटेट अराउंड सेलेक्शन, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी है आपका 3D कर्सर, जो टूल्स है, टूल आपका जो टूल बार है यहाँ पे आपका 3D कर्सर का एक बटन है, इसको हम लोग जब दबाते हैं तो आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि राइट क्लिक से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप राइट क्लिक से ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह इसी टूल के अंदर काम करता है। अगर मान लीजिए कोई और टूल सेलेक्ट है तो आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रैग हो रहा है, या जो भी सेलेक्टेड है वो ड्रैग हो रहा है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपका टूल सेलेक्ट है तो इससे आप राइट क्लिक को ड्रैग भी कर सकते हैं, ओके। अब इसमें जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आपको कुछ ओरिएंटेशन दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्म, व्यू, जियोमेट्री और नन। तो हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो जो ओरिएंटेशन है वो बेसिकली क्या है, ओरिएंटेशन बोलते हैं एक तरह से रोटेशन को, कि आपका जो इनिशियल रोटेशन है वो क्या है। तो जैसे कि इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सेलेक्ट किया हुआ है ट्रांसफॉर्म, और तो ट्रांसफॉर्म को, ट्रांसफॉर्म जो है बेसिकली काम करता है कि आपका जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है वो क्या सेट किया हुआ है। तो फिलहाल जो है ये सेट किया हुआ है ग्लोबल में, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन के अलग अलग मोड्स हैं इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो फिलहाल लेकिन इसको समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको सिर्फ दो बताता हूँ, ग्लोबल और लोकल, ठीक है। तो बेसिकली है क्या ये चीज़, अगर मान लीजिए इसको मैं यहाँ हटाता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वर्ल्ड ओरिजिन है वो क्या होता है, जितने भी एक्सिस हैं जब वहाँ पे जहाँ पे वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ओरिजिन, जहाँ पे जो पोजीशन है वो होता है 0 0 0 हर एक्सिस में, ठीक है, इसको वर्ल्ड ओरिजिन बोलते हैं। तो जो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन अगर ग्लोबल सेट है, तो आपका जो 3D मैनिपुलेटर है, यानी अगर मैं इसको मूव टूल को लेता हूँ, तो आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं 3D मैनिपुलेटर, और इसका जो ओरिएंटेशन है यानी इसका जो रोटेशन है वो वर्ल्ड एक्सिस के अराउंड होता है, मतलब वर्ल्ड एक्सिस से अलाइंड होता है, ठीक है। तो देखिए एक्स जो है वो इधर है, वाई जो है वो इधर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो ऑब्जेक्ट का रोटेशन है वो कैसा है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी घुमा दूँ तो भी आपका देखिए कि जो एक्स है वो इसी डायरेक्शन में है, वाई जो है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको ये जो मैनिपुलेटर है इससे भी आपको मालूम चलता है कि आपका जो वर्ल्ड का एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी और व्यू में है तो आप इसको देख के मालूम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग सेंटर में हैं, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ऑब्जेक्ट का रोटेशन क्या है, जो 3D मैनिपुलेटर है वो ऑलवेज जो है वो ग्लोबल एक्सिस के अराउंड मतलब अलाइंड होता है, उसका उसमें कोई रोटेशन चेंजेस नहीं होता, आप कैसे भी ऑब्जेक्ट को घुमाओ, ठीक है। उसके बाद होता है लोकल, तो लोकल में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का अपना रोटेशन है उसके हिसाब से 3D मैनिपुलेटर ओरिएंट हो जाता है। अभी देखिए कि आपका जो 3D एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से घूम गया है, तो ये फ़ायदा क्या होता है आपको, मान लीजिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसके उस डायरेक्शन में घुमाना है तो आप आराम से घुमा सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में लेके आना है, ओरिजिन पे लेके आना है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप चाहें तो यहाँ से साइड पैनल में जाके जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर जो लोकेशन है इसको मैं ज़ीरो कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है रीसेट करने के लिए, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है। इसमें क्या है, अगर आपको रीसेट करना है पोजीशन तो उसके लिए अल्ट दबा के अगर आप जी दबाएंगे तो इसका जो पोजीशन है वो जो लोकेशन है वो रीसेट हो जाता है, यानी कि जो वर्ल्ड एक्स जो ओरिजिन है 0 0 0 वहाँ पे चला जाएगा। अल्ट जी, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अगर आपको रोटेशन भी रीसेट करना है तो अल्ट और आर दबाएंगे तो उसका वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे 3D कर्सर के ट्रांसफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल देखिए ये जो सेट है वो ग्लोबल रहता है, ठीक है। तो ये बताता है कि आपका जो 3D कर्सर है जब भी आप क्लिक करते हैं तो उसका जो रोटेशन है वो कैसा होगा, और ये डिपेंड करता है कि आपका जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है वो क्या सेट किया हुआ है। तो जो सेट किया हुआ है वो है ग्लोबल, तो यानी कि आप जब भी आप क्लिक करेंगे, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, तो जो 3D कर्सर का जो रोटेशन है वो हमेशा वर्ल्ड एक्सिस के अराउंड है, क्योंकि अभी ग्लोबल सेट किया हुआ है। अब देखेंगे कि इसका जो हैंडल्स है, दो हैंडल है, वो एक्स और वाई से अलाइंड है। आप कहीं पे भी क्लिक करो वो हमेशा उसके अलाइंड ही रहेगा, ये आपको दिखेगा अगर आप ऑर्थोग्राफिक में जाते हो तो बहुत ही क्लियर दिखता है, कहीं भी क्लिक करो उसके हिसाब से अलाइंड है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, 1 में गया परफेक्टली अलाइंड है, 3 में गया परफेक्टली अलाइंड है, 7 में गया परफेक्टली अलाइंड, ठीक है। तो जो आपका जो वर्ल्ड एक्सिस है उससे ही अलाइंड होता है इसका ओरिएंटेशन। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ लोकल में, तो एक काम करते हैं, जो मेरा सिलेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो ओरिएंटेशन है वो ग्लोबल से सेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको मैं कर दूँ लोकल, तो क्या हुआ, आपने जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ मूव को, तो ये देखिए कि जो मेरा मैनिपुलेटर है वो
लोकल पे सेट किया हुआ, उसका ओरिएंटेशन लोकल के हिसाब से। और अगर मैंने 3D कर्सर का भी जो ओरिएंटेशन मोड है ट्रांसफॉर्म है और सीन में ये लोकल किया हुआ है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका 3D कर्सर है वो देखिए, जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे वो अलाइंड है। देखिए एक्स और वाई, उसका जो भी दो हैंडल है, आप जैसे भी इसको रोटेट करोगे, जब भी आप क्लिक करोगे उसको उसके अलाइंड रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली यही होता है, आपका जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है वो उसके हिसाब से ओरिएंट होता है। दूसरा है व्यू। व्यू व्यू क्या है? व्यू आपका जो स्क्रीन है इसको आप मान सकते हैं एक एक तरह का कोऑर्डिनेट मान सकते हैं इसको, एक्स और वाई इसमें भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन का जो लेफ़्ट और राइट है उसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, और जो नीचे और ऊपर है उसको आप मान लीजिए वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें दो ही एक्सिस होता है, सॉरी। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ व्यू, तो अगर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो जो आपका व्यू है, आपका जो मॉनिटर है, आपको जो दिख रहा है वो उसके हिसाब से ओरिएंट हो जाता है। तो ये परफेक्टली आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको जब आप घुमाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अच्छा ये तो ऐसा रोटेट हुआ हुआ। और ये डिपेंड नहीं करता कि आपका ऑब्जेक्ट का रोटेशन क्या है। इसको मैं वापस अल्ट जी अल्ट आर कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये व्यू के अलाइंड है, आपका जो भी देख रहे हैं आप उसके अलाइंड है। तो इसका कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन जनरली मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका कम ही यूज़ करें आप। आप जनरली ट्रांसफॉर्म का यूज़ कीजिए या जियोमेट्री का यूज़ कीजिए। तो जियोमेट्री में हम लोग जाते हैं अभी। तो जियोमेट्री में क्या है बेसिकली, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और हम लोग क्रिएट करते हैं मंकी। और ये मुझे चाहिए सेंटर में, तो अल्ट जी अल्ट आर डॉट दबाया तो ये मेरे फोकस में आ गया। अभी देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे वर्टेक्स है, एजेस है, फेसेस है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आप सिंपली समझिए कि ये जैसे ये आपको ये स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं 3D पॉलीगॉन या फेस, ठीक है। तो और हर फेस का एक अपना रोटेशन है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। तो हर फेस का जो ओरिएंटेशन है, अगर आप इसको सेट करके रखेंगे जियोमेट्री में, तो आप अगर उस फेस पे क्लिक करेंगे तो आपका 3D कर्सर का जो रोटेशन है वो उस फेस के रोटेशन से मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो मेरा 3D कर्सर जो है उसके हिसाब से अलाइन है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो उसके हिसाब से अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉडलिंग के टाइम में बहुत काम आता है। तो यह है आपका ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन। इसके अंदर एक और है नन। तो नन बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी आपका लास्ट जो सेटिंग था उसी को वो कैरी करता है, ठीक है। यह हो गया आपका 3D कर्सर। इसको मैं सेट कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, और इसको करता हूँ मैं ग्लोबल, और एक बार क्लिक करता हूँ तो ये परफेक्टली ग्लोबल एक्सिस के अराउंड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे स्नैप मेन्यूज़ के बारे में। तो पहले मैं बताता हूँ कि ये स्नैप मेन्यूज़ है क्या। ये इसको पाई मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं जेड दबाता हूँ तो यहाँ पे एक मेन्यू खुलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाई मेन्यू। ये बाकी मतलब ये माया के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट था। मैं जो पिछला सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता था वो माया था, और माया में भी इस टाइप के पाई मेन्यूज़ बहुत हुआ करते थे। तो 2.8 के पहले ये एक एड ऑन की तरह था जहाँ पे आपको जाके ऑन करना पड़ता था, लेकिन 2.79 में, मतलब उसके 2.8 के पहले, अभी 2.8 में क्या है कि ये इंटीग्रेट कर दिया गया है मेन सॉफ्टवेयर में। तो जैसे जी है तो ये पाई मेन्यू खुल गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिलेटेड ऑप्शंस हैं शेडिंग से वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। और यहाँ पे जब आपको जो भी मोड चेंज करना होता है आप उस पर जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ये अभी वायर फ्रेम में चला गया, ठीक है। फिर से जेड दबाया, सॉलिड पे क्लिक किया, सॉलिड हो गया, ठीक है। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे आप बहुत ही फास्ट काम कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए जेड है और मेरे को वायर फ्रेम में चेंज करना है, तो मेरे को ऐसा नहीं कि इस पर जेड पे क्लिक किया, फिर उसके बाद इस पर जाके पढ़ा कौन सा वायर फ्रेम है, फिर इस पर क्लिक किया तभी वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो
आपको बस याद रखना है कि ये किस डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर में है, नीचे में, किस किस साइड में। आपको आपका जो माउस है उसको उस डायरेक्शन में बहुत ही तेज़ी से खींचना होता है। जैसे कि मुझे ये वायर फ्रेम में चेंज करना है, तो मुझे मालूम है कि जो वायर फ्रेम है वो मेरे लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, वो भी सीधा। तो मैं क्या करता हूँ, जेड दबाता हूँ, ऐसे दबाता हूँ, ठीक है। ये देखिए वायर फ्रेम में आ गया। मुझे सॉलिड में करना है, मैं कहीं पर क्लिक नहीं कर रहा, मैं बस माउस को उस डायरेक्शन में बहुत ही तेज़ी से स्विच कर रहा हूँ। अगर आप लेट करेंगे तो आप ये मेन्यू खुला रहेगा और फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पाई मेन्यू। तो पाई मेन्यू में अभी जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं शिफ्ट एस का। शिफ्ट एस जो है वो कर्सर से रिलेटेड है। इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो है सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जो ऑप्शन है वो कर्सर के हैं और 1 2 3 4 जो है वो सिलेक्शन के हैं। इसमें एक एक्टिव सिलेक्शन भी होता है, पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे पास 2 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं एक काम करता हूँ ऑल्ट जी, और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है, और इसको मैं लेता हूँ इधर, कुछ और क्रिएट कर लेते हैं टॉरस। तो जब भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट क्लिक से, तो उस सेलेक्ट उस ऑब्जेक्ट के अराउंड एक येलो कलर का, येलोइश ऑरेंज कलर का एक आउटलाइन क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेलेक्टेड है, और उसके हिसाब से आप उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना होता है वो आप करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे एक से ज़्यादा सेलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट की दबा के दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक चेंज क्या हुआ है कि जो पिछला वाला जो सिलेक्शन था उसका जो आउटलाइन है वो अभी थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज टाइप का हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे ये टोरस भी सेलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ, तो पिछले 2 सिलेक्शन जो हैं वो रेडिश ऑरेंज आउटलाइन में हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये सिलेक्शन है, ठीक है। लेकिन आपने जो लास्ट सिलेक्शन किया है उसको बोलते हैं एक्टिव सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है, और इस ये आपको ब्लेंडर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इसका काम आता है कि आपका जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करते हैं शिफ्ट एस के बारे में। शिफ्ट एस दबाएंगे, ये मेन्यू खुलेगा, स्नैप का मेन्यू है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए पहला है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ल्ड ओरिजिन क्या होता है। तो मान लीजिए मेरा 3D कर्सर यहाँ पे है, मुझे ये लेके आना है यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इस टूल को सेलेक्ट करके इसको ऐसे आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, जो कि परफेक्टली मैच नहीं करेगा। या फिर आप साइड पैनल में जाके यहाँ पे जो है एक 3D कर्सर का कैटेगरी है, यहाँ पे जाके आप इसको 0 कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये आपको जाना पड़ेगा, ये क्लिक करना पड़ेगा, वो क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए तुरंत करना है तो आप शिफ्ट एस दबाइए, और आपको मालूम है कि ये जो है ये इधर साइड में लेफ्ट क्या बोलेंगे उसको, साइड में जाके जाने के बाद आपको ये यहाँ पे वर्ल्ड ओरिजिन है। तो सिर्फ क्या करना है आपको, शिफ्ट एस, सॉरी ये क्या किया मैंने, कुछ तो मैंने क्लिक कर दिया, आई थिंक कि मैंने जेड दबा दिया है, तो इसको सॉलिड करता हूँ मैं। ओके, शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। मैं आपको अभी ऐसे ही बताता हूँ क्लिक करके, क्योंकि बहुत फास्ट में नज़र नहीं आएगा, वैसे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पे थोड़ा स्लो ही जाए तो अच्छा है। तो ये देखिए, ये जो है जो कर्सर जो है 3D कर्सर वो वर्ल्ड ओरिजिन पे आ गया आपका, ठीक है, बहुत फास्ट। उसके बाद है आपका शिफ्ट एस 1 2, आप नंबर भी दबा सकते हैं सर, 2 देखें दबा के, 1 हाँ, शिफ्ट एस 2 हाँ काम करता है। तो आप नंबर्स भी दबा सकते हैं, जो आपका मेन कीबोर्ड है उसके ऊपर जो नंबर्स है उसको भी आप दबाएंगे, तो जो भी उससे रिलेटेड ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाता है। देखिए साइड में यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, अभी मान लीजिए मुझे जो कर्सर है वो जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसके सेंटर में चाहिए। जैसे मुझे ये मंकी के सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एस और कर्सर टू सेलेक्टेड। तो क्या होगा, आपका जो 3D कर्सर है वो मंकी के सेंटर में आ जाएगा। जैसे ये क्यूब है, यहाँ दबाया, कर्सर टू सेलेक्टेड, यहाँ पे आ गया, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, यहाँ पे आ गया, ठीक है।
इसके बाद क्या है, नंबर थ्री है कर्सर टू एक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव सिलेक्शन क्या होता है, तो मान लीजिए ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो इसमें जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो है ये टोरस, क्योंकि ये मैंने लास्ट में सेलेक्ट किया था। अभी अगर मैं चाहूँ तो मेरा जो कर्सर है, जो भी इस सिलेक्शन में एक्टिव ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ पे चला जाए, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा वो टोरस के सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, कर्सर टू ग्रिड। कर्सर टू ग्रिड क्या होता है, जो ग्रिड के जो पॉइंट्स है उसे स्नैप करने के लिए होता है। इसके लिए आप इसको आप समझ सकते हैं, अगर मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में हूँ तो ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ग्रिड्स हैं, इसके जो पॉइंट्स है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे अगर मान लीजिए मुझे ये स्नैप करना होता है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे लेफ्ट राइट क्लिक किया, तो ये चेक करता है कि मेरा जो नियरेस्ट ग्रिड पॉइंट है वो कौन सा है। तो अगर मैंने इसको ऐसे शिफ्ट एस किया और सेलेक्ट किया कर्सर टू ग्रिड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे रखा होता, तो ये थोड़ा दूर है और ये नज़दीक है, तो अभी जब मैं शिफ्ट एस करूँगा तो कर्सर टू ग्रिड यहाँ पे आ जाएगा। ये 3D व्यू में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, ये कभी काम करता है कभी काम नहीं करता, आप चेक कर सकते हैं। कर्सर टू ग्रिड, देखिए ये काम नहीं कर रहा है, तो ये ऑर्थोग्राफिक में ज़्यादा काम करता है और कभी कभी काम भी करता है, ठीक है। तो जो 3D कर्सर से रिलेटेड जो ऑप्शंस थे वो मैंने आपको बता दिया। अभी है सिलेक्शन से रिलेटेड, तो ये मेरा 3D कर्सर है और ये सब ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है उसको सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इससे हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जो 3D कर्सर है उसको हम लोग वर्ल्ड ओरिजिन पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। अभी शिफ्ट एस, और उसके बाद हम लोग करते हैं सिलेक्शन टू ग्रिड। तो सिलेक्शन टू ग्रिड बेसिकली क्या है कि जैसे आपने 3D कर्सर को ग्रिड पॉइंट से स्नैप किया था, वैसे ही सिलेक्शन को भी ग्रिड पॉइंट से स्नैप कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आपका व्यू के ऊपर। सेम प्रोसेस है, जैसे अगर मान लीजिए मैं अब करके दिखा देता हूँ, तो मैं टॉप में चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट एस, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, जी यहाँ पे क्लिक कर दिया, शिफ्ट एस और सेलेक्शन टू ग्रिड, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रिड पॉइंट के आप ऊपर स्नैप कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कर्सर टू ग्रिड, सेलेक्शन टू कर्सर, ये सेलेक्शन टू कर्सर क्या, पहले हम देखते हैं सेलेक्शन टू कर्सर ये वाला क्या, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका 3D कर्सर रहेगा, ये 3D ऑब्जेक्ट को वहाँ पे पोजीशन कर देगा। शिफ्ट एस सेलेक्शन टू कर्सर, शिफ्ट एस सेलेक्शन टू कर्सर, शिफ्ट एस सॉरी सेलेक्शन टू कर्सर, तो शिफ्ट एस कर्सर टू ओरिजिन, शिफ्ट एस सेलेक्शन टू कर्सर, ठीक है। इसके बाद है सेलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट। अगर ऑफसेट है, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ, ये मुझे नहीं मालूम एक्चुअली, मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा गया, ऐसा कुछ होगा रिलेटिव। ये मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ओके, और क्या है सिलेक्शन टू एक्टिव। सिलेक्शन टू एक्टिव क्या है, अगर मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो है क्यूब, और बाकी जो है वो सिर्फ सिलेक्शन है। अगर मैं करूँ सिलेक्शन टू एक्टिव, यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनका पोजीशन कहाँ चला जाएगा, जो भी आपका एक्टिव सिलेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ सिलेक्शन टू एक्टिव, तो जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो इस क्यूब के सेंटर में आ गए, ठीक है। देखिए जैसे कि वायर फ्रेम में चेक कर रहा हूँ मैं, सब इसके सेंटर में, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने सब बता दिया इसके अंदर। तो शिफ्ट एस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आई थिंक हम लोगों ने 3D कर्सर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म मोड्स के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ट्रांसफॉर्म, और ये है आपका ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशंस, ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल, व्यू, कर्सर। यहाँ पे जो गिम्बल है ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का है, इसमें अलग अलग रोटेशन मोड्स होते हैं, जैसे ऑयलर है, क्वाटर्नियन है, तो उसको अगर आप, वो बेसिकली अभी के लिए नहीं है, तो हम लोग फ़िलहाल जो है वो
जो 5 ऑप्शन है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, सॉरी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं, बाय बाय।